तो हाय गाइस, एबिलिटी कस्टम चैनल पर आप लोगों को एक यूनिक चीज के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, जितने सारे भी इंडस्ट्री में बाइक बताए जिसका पीछे का एग्जॉस्ट से ऐसा दम, ऐसे स्मोकी एग्जॉस्ट होता है, ऐसे ब्लास्टिंग की तरह ब्लास्टिंग होता है, तो कैसे होता है? सभी का मन में प्रश्न मुझसे पूछा गया था पिछले वीडियो में, कैसे आखिर में ये कैसे पॉसिबल। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल सी है। जब ये इंजन स्टार्ट कंडीशन पर रहता है तो स्ट्रोक कितना होता है फोस्ट्रोक में? सक्शन कंप्रेशन पावरिंग, तो चारों स्ट्रोक कंटिन्यू चलता रहता है। जब हमको पूरा एक्सीलेटर करते हैं तो उसका स्ट्रोक का रिवोल्यूशन ज़्यादा होने के वजह से उसमें इनलेट वाल्व से ज़्यादा गैस कंप्रेस होता है और एग्जॉस्ट से वो बर्न होकर स्टार्ट चला जाता है। तो दोस्तों, हम जब फोस्ट्रोक पेट्रोल इग्नाइट इंजन पर जब हम किल स्विच को ऑफ करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक को ऑफ करते हैं। पेट्रोल इंजन पर हम इलेक्ट्रिक को ऑफ करने से उसके इंजन को स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो उसी कंडीशन पर हम किल स्विच को जब ऑफ कर देते हैं तो क्या, स्पार्क प्लग पर स्पार्किंग क्लोज हो जाता है। तो स्पार्क प्लग पर स्पार्किंग क्लोज हो जाने से इंटेक मैनिफोल्ड भाग से गैस कॉम्प्रेस होता है, लेकिन ब्लास्टिंग नहीं होने की वजह से उधर कॉम्प्रेस होकर रहता है। तब जब भी एक सेकेंड के अंदर हम किल स्विच दोबारा ऑन कर देते हैं तो स्पार्क आने से वो ब्लास्टिंग हो जाता है ज़्यादा से, तो वो एग्जॉस्ट से साइलेंसर से एक साथ ब्लास्टिंग होकर निकल गए, तो पीछे से आग निकलते हैं उसके साउंड के साथ। तो यही हम करके दिखाएंगे कैसे होता है। चलो, ये किल स्विच को ऑन किया, स्टार्ट किया, हाई रेप्स करूंगा, उसके बाद किल स्विच को एक सेकेंड के लिए ऑफ करके फिर ऑन कर दूंगा, तो एग्जॉस्ट से आग निकलेगा उस साउंड के साथ। कोई भी बैंक में करो ऐसा ही ब्रॉडकास्टिंग आ जाएगा, लेकिन आपका हाथ का अंदर एक सेकंड के अंदर, मैक्सिमम सेकंड के 10^10 एक सेकंड के अंदर ही करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, आप किसी भी बाइक पर आप कर सकते हैं, लेकिन मैं मना करूंगा क्योंकि इंजन के एग्जॉस्ट वाल्व पर प्रेशर पड़ता है, एग्जॉस्ट पर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो चलो, कीप वॉचिंग माई नेक्स्ट वीडियो, एबिलिटी कस्टम पर जारी रखें।